पाप कहां निवास करता है, सबसे बड़ा बोझ क्या है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए। आज का सवाल है कि पाप कहां निवास करता है, सबसे बड़ा बोझ क्या है। मित्रों, ओशो की एक कहानी है। एक बार दो सन्यासी अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। उनमें एक सन्यासी युवक था और एक वृद्ध था। वे दोनों एक ही गुरु के चेला थे। वृद्ध सन्यासी का यह स्वभाव था कि वो जब भी किसी महिला को देखता था तो अपनी आंखें नीचे झुका लेता था। एक दिन जब वे दोनों आश्रम की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उन्होंने देखा कि उस नदी के किनारे एक सुंदर जवान युवती खड़ी थी। वह भी नदी के उस पार जाना चाहती थी, लेकिन नदी का बहाव तेज था और वो उस नदी की गहराई से अनजान थी, इसलिए वो उसमें घुसने से डर रही थी। पीछे से बूढ़ा सन्यासी आया। उसने नदी किनारे खड़ी महिला को देखकर अपनी आंखें नीचे कर ली और नदी में प्रवेश कर गया। बूढ़ा सन्यासी जानता था कि महिला भी नदी के उस पार जाना चाहती है, पर वो एक स्त्री है, उसे वो कैसे नदी पार कराए, उसे छूना तो उचित नहीं होगा। तब तक पीछे से युवक सन्यासी आ गया। उसने महिला को देखा तो पूछा कि शाम होने वाली है और तुम नदी किनारे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। महिला ने उत्तर दिया, भैया मेरा गांव नदी के उस पार है, मैं नदी पार करना चाहती हूं, पर पानी की गहराई से अनजान हूं, इसलिए नदी में प्रवेश करने से डर रही हूं। अब मैं नदी पार कैसे करूंगी, रात होने वाली है, कोई नाव वाला भी नहीं है। महिला की बात सुनकर युवक सन्यासी सोचने लगा कि यदि मैं भी आंखें झुकाकर नदी पार कर जाऊं तो ये बेचारी नदी के इस पार अकेली ही खड़ी रहेगी। यही सोचकर युवक सन्यासी ने उस युवती को अपने कंधे पर बैठा लिया और नदी पार कराने लगा। उधर वो वृद्ध सन्यासी नदी के उस पार पहुंच चुका था। उसने सोचा कि मेरे पीछे एक युवक सन्यासी आ रहा था, कहीं वो उस महिला के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। मित्रों, उसने जैसे ही पीछे लौटकर देखा तो देखा कि युवक सन्यासी उस युवती को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा है। यह देखकर वृद्ध सन्यासी दंग रह गया कि एक जवान युवती को वो अपने कंधे पर कैसे बिठा सकता है। वृद्ध सन्यासी देखकर बड़ा हैरान था। उधर युवक सन्यासी ने उस महिला को नदी के इस पार लाकर उतार दिया और वे दोनों सन्यासी आगे की ओर चले गए। कुछ दूर आगे पहुंचने पर वृद्ध सन्यासी बोला, हे भाई, तुमने ये अच्छा नहीं किया, एक स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराई। मैं तुम्हारी ये शिकायत गुरुजी से जाकर करूंगा कि तुमने नियम का उल्लंघन किया है। युवक सन्यासी कहने लगा, हे भाई, मैं तो उस युवती को नदी के उस पार ही उतार आया हूं, पर तुम तो उसे अभी भी कंधे पर बैठाए हुए घूम रहे हो, आप बहुत थक गए होंगे, कृपया उसे उतार दो। वृद्ध सन्यासी युवक सन्यासी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। कहने लगा, क्या बकते हो, उस युवती को तो कंधे पर आपने बिठाया था, पर मुझ पर दोषारोपण क्यों कर रहे हो। युवक सन्यासी समझाने लगा, हे भाई, मैं आप पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, बल्कि सत्य कह रहा हूं। नदी पार कराकर मैं तो उस युवती को वहीं पर छोड़ आया, पर तुम अभी भी उसे अपने मन में लिए घूम रहे हो, अभी तक आप उसे भूले नहीं हो। देखकर आंखें झुका लेने से वासना खत्म नहीं होती, वासना मन की वस्तु है, वो आंखों के माध्यम से मन में वास करती है। जिस अवगुण को एक बार त्याग दिया हो तो उसे बार बार याद नहीं करना चाहिए। मित्रों, पाप वासना हमारे अंदर अज्ञानता से जागती है। पाप हमारे अंदर सबसे पहले आंखों के द्वारा प्रवेश करता है और मन में बैठ जाता है। सन्यासी वही होता है जिसमें ये गुण विद्यमान होते हैं। पहला, क्रोध ना करने वाला। दूसरा, ढेले पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने वाला। तीसरा, शोक रहित। चौथा, न किसी से मित्रता न किसी से बैर। पांचवा, निंदा और प्रशंसा से दूर। छठवा, प्रिय और अप्रिय को छोड़ देने वाला। सातवा, अनासक्त। युवक सन्यासी बोला, भाई,
पाप स्त्री को छूने में नहीं बल्कि उसे मन में बिठाकर रखने में है। पाप अधिक धन होने में नहीं बल्कि धन की लिप्तता में है। जब तक किसी चीज का स्थान मन में नहीं होता तब तक पाप नहीं होता। पहले पाप मन में उत्पन्न होता है तब शरीर उसे करने के लिए विवश होता है। किसी को देखना पाप नहीं है पर उसके बारे में स्वार्थ भावना से सोचते रहना पाप है। किसी चीज को अपने विचारों में ले आना और उसे लंबे समय तक विचारों में बैठाए रखना ही सबसे बड़ा बोझ है। यदि वो विचार वासना युक्त है, यदि उन विचारों में स्वार्थ की बू आ रही है, यदि वो विचार औरों के लिए प्रिय नहीं है, यदि वो विचार हिंसक हैं, लोभी हैं, काम वासना में लिप्त हैं, तो ऐसे विचार विचार नहीं बल्कि मन में रमने वाला पाप समझना चाहिए। मनुष्य ऐसे दूषित विचारों से इतना दब जाता है कि फिर ये विचार उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। मन के पवित्र विचार मनुष्य को स्वतंत्र करते हैं और मन के दूषित विचार उसे बंधन में डाल देते हैं। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि मनुष्य चाहे तो विचारों से ही दुनिया को बदल सकता है। हम अपने विचार जब किसी पर जबरदस्ती थोपते हैं तो उसे दुख होता है। जब वो हमारे विचारों को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है। पवित्र विचार दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दूषित विचार हमें दुनिया से दूर कर देते हैं। पवित्र विचार हमें सत्य और धर्म से जोड़ते हैं और दूषित विचार हमें अधर्म से जोड़ते हैं। विचार जब समूह का रूप ले लेते हैं तो वे एक नई व्यवस्था का निर्माण कर देते हैं। मित्रों, कहते हैं परोपकार तो सरल है पर व्यवहार कठिन है। व्यवहार के समय भगवान को याद करना चाहिए। पराई स्त्री को काम भावना से देखने वाले पुरुष का मुंह काला होता है। पहले अपने मन को सुधारो, पीछे दुनिया को सुधारना। पवित्रता सिर्फ शरीर पर ही नहीं मन में भी होनी चाहिए। पवित्र शरीर और पवित्र मन ही मथुरा काशी है। पाप और पुण्य जब समान होते हैं तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। पाप और पुण्य समान रूप से भोगने पड़ते हैं। अगर जीवन में दुखों का सामना करना पड़े तो मन को समझाना कि उसके पापों का नाश हो रहा है, और यदि जीवन में सुख मालूम पड़े तो समझ लेना पुण्य कर्म फलीभूत हो रहे हैं। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।